होलिका दहन जो है सो प्रहलाद से संबंधित है। ऐसे तो हमारे होली राष्ट्रीय पर्व है, होली हम 8 तारीख को मोगा में खेला जाएगा, लेकिन होलिका दहन से संबंधित जो है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु भक्त था। नारायण नारायण जपना, ओम नमो नारायणाय, इनका जप था। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता है बेटा ये मेरा शत्रु है, शत्रु का नाम क्यों जपते हो? लेकिन माना नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए लाख यत्न किया, कभी कुएं में डाल दे, कभी पहाड़ों से गिरावे, कभी हाथी से कुचलवा दे, लेकिन भगवान की माया और ये बाल भी बांका नहीं हो सका। दिवाली की तरह दशहरे की तरह होलिका दहन का भी त्यौहार मनाया जाता है। यह अधर्म उत्ते धर्म की जित अते सच्चाई की जित दे रूप दे विच मनाया जाता है। इस दे लई प्रहलाद हिरण्यकश्यप अते होलिका की कहानी बड़ी मशहूर है और यह होली जिहड़ा रंगा दा त्यौहार है, जात पात धर्म और छुआ छात तो दूर होकर रंगा दे विच मिल के सारे हिंदुस्तान के लोग इस होली नूं मनांदे ने। और इस तरह ही अज मोगा दे विच एक दिन पहला जिहड़ा है होली तो होलिका दहन की जा रही है, जिस दे विच सच्चाई की जित, विकास की जित अते धर्म की जित है। पहले तो मैं सारिया नूं होली की मुबारक देना चाहवांगी, होली की बहुत बहुत मुबारक। फिर उस तो बाद मैं तुहानूं मैसेज देना चाहवांगी कि होली ते सानूं मतलब सुक्के गुलाल नाल खेलना चाहिए, रंगा का वधिया इस्तेमाल करना चाहिए हैगा। तो उस तो मतलब गिले गिले रंगा का या कोई होर जिवें लोग अजकल बहुत खराब तरीके नाल होली खेलते हैं, वह होली सानूं नहीं खेलनी चाहिए, पूरे साफ तरीके नाल होली खेलनी चाहिए। सारे नूं मेरे वालों हैप्पी होली। बहुत वधिया त्यौहार आ होली, जे रंग बिरंगे सारी दुनिया की जिंदगी भी रंग बिरंगी होवे, सारे दी जिंदगी च खुशियां लेके आवे, हमेशा सारे इदां ही होली मनान।